गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास फर्स्ट में हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे हम लेसन 7, शरारती बालक। पाठ 7, शरारती बालक। आपने इस पाठ के वर्ड मीनिंग लिखे होंगे, ठीक है। आज हम आपको फिर से इस पाठ को पढ़ा देते हैं। राजू नाम का एक बालक था, कक्षा में पढ़ता था। वो बहुत ही शरारती था, सदैव देर से पाठशाला जाता था। वो हमेशा लेट स्कूल जाता था। उसकी बहन की एक सहेली थी, उसका नाम था रेखा। राजू उसे प्यार से दीदी कहता था। राजू की शरारतों से सभी दुखी थे। वह हर किसी से झगड़ा करता था, किसी पर रेत डाल देता तो किसी की चॉकलेट, केला, सामान छीनकर खा जाता था तथा किसी को धक्का देकर गिरा देता। वह चिड़िया के अंडे उठा लेता और उसका घोंसला गिरा देता था, क्योंकि वो बहुत शरारती था। यदि कोई बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का पिल्ला उसे मिल जाता तो उसे उठाकर पटक देता और डंडे से मारता था। वह उसे सब उसे मना करते, परंतु वह शरारत करने से बाज नहीं आता था। एक दिन वह दीदी के साथ मेला देखने गया था। मेले में भी वह शरारते करता रहा। कभी वह दीदी से आगे निकल जाता, कभी पीछे रह जाता। मेले में उसने बहुत से खेल देखे, परंतु दीदी को बहुत तंग किया। मेले में एक जगह बंदर का तमाशा हो रहा था। राजीव तमाशा देखने लगा। तमाशा देखते देखते वह बंदर के साथ शरारत करने लगा, क्योंकि वो शरारती बच्चा था। हर समय उसे शरारत सूझती थी। कभी बंदर को डंडे से डराता, कभी कंकड़ मारता और कभी उस पर रेत फेंकता। इस तरह की शरारत वो बंदर के साथ मेले में कर रहा था। उसकी शरारत से खींच कर, मतलब गुस्सा होकर के, अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो वो हम पर क्या हो जाता है, क्रोधित होने लगता है। उससे खींच करके बंदर ने तेजी से राजीव की ओर लपका और उसकी जो टांग थी, पैर था, अपने मुंह में दबा ली। राजीव जोर से चीखा, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सब लोग बंदर से डरते थे। तब दीदी ने मदारी से कहा, यह मेरा भाई है, आप इसकी सहायता करो, अपने बंदर को वापस बुला लें। मदारी ने कहा, यह बालक बड़ा शरारती है, यह मेरे बंदर को बहुत देर से छेड़ रहा है, इसे इसकी शरारत के लिए दंड मिलना ही चाहिए, ऐसा मदारी ने कहा। दीदी ने फिर विनती की, इसे केवल एक बार क्षमा कर दो, पहली बार इसे माफ़ आप कर दीजिए। राजू ने कहा, मैं वचन देता हूँ, कभी किसी को तंग नहीं करूँगा, शरारत भी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मदारी ने सीटी बजाई, बंदर ने राजू की टांग छोड़ दी। उस दिन से राजू ने शरारत करनी बंद कर दी, अच्छा लड़का बन गया। तो देखा आपने कि बंदर ने अपने मालिक की सीटी की आवाज़ से ही उसकी टांग को छोड़ करके वापस मदारी के पास आ गया। और राजू को इस घटना से सबक मिला कि उसने शरारत करना छोड़ दिया। अब हम इसी पाठ के क्या लिख रहे हैं, वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं। शब्द यहाँ हम पेंसिल से लाइन खींच लेंगे स्केल की सहायता से, और इधर लिखेंगे अर्थ, ठीक है। वर्ड मीनिंग जब आप याद करेंगे तो पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखिए, पाठ साला। पाठशाला मतलब होता है विद्यालय, या इंग्लिश में इसी को हम स्कूल भी कहते हैं। केवल, केवल, केवल मतलब सिर्फ, ठीक। आप अगला लिखिए, सब
रावती, शरारती मतलब नट खट। जो नौटी बच्चे होते हैं दंड, जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें दंड दिया जाता है या फिर सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। हमेशा सदैव सदैव, सदैव मतलब हमेशा। मंत्रा लगाते समय आप ध्यान देंगे कि आपकी मंत्रा अक्षर के आधार से जुड़ी होना चाहिए। विनती, विनती, विनती मतलब होती है प्रार्थना, प्रार्थना। ठीक, आप पिल्ला, पिल्ला किसे कहते हैं? सभी बच्चों ने देखे होंगे कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे जिनको हम पपी भी बोलते हैं। कुत्ते का छोटा बच्चा, कुत्ते का छोटा बच्चा। क्षमा, क्षमा मतलब माफी। खीज, खीज, खीज मतलब होता है चिढ़ना, चिढ़ना। या फिर क्या करना, चिढ़ना ही लिखिए आप खींच कर। अगला वर्ड है इसमें सहायता, अगला वर्ड है सहायता, सहायता। सहायता मतलब होती है मदद। तो आपने देखा कि राजू कैसा बच्चा था और किस तरीके से वो शरारत करके सबको परेशान करता था। उसकी क्या शरारतें थी, उसकी शरारतों से सभी दुखी थे। राजू नाम का जो एक छोटा बच्चा था वो कक्षा एक में पढ़ता था, ठीक है, फर्स्ट क्लास में था, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। और वह क्या करता था, देर से पाठशाला जाता और विभिन्न प्रकार की शरारतों से सभी लोगों को परेशान किया करता था। किसी को धक्का दे देता तो किसी का सामान बिस्किट आदि चुरा करके खा जाता था, और किसी से झगड़ा करता, किसी के ऊपर रेत डाल देता। और जब बिल्ली या कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको डंडे से पीटता या उठा करके पटक देता था। उसको ऐसा करने में बहुत मज़ा एक बार वो अपनी दीदी के साथ जब मेला देखने गया तो उसने वहाँ पर भी बहुत सारी शरारतें की, जिससे उसकी दीदी को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अंत में एक जगह बंदर का करतब दिखाया जा रहा था तो राजीव भी वहाँ तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया और वो बंदर को परेशान करने लगा। बंदर के ऊपर कभी कंकड़ मारता, कभी पत्थर मारता और कभी उसे दूर से डंडे से डराने की कोशिश करता था। ऐसा वो बार बार कर रहा था तो क्या हुआ, बंदर ने गुस्सा होकर के अपनी जो टांग थी, उसकी टांग थी, अपने मुंह में दबा ली और राजीव जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी क्या करिए, मदद करिए, मदद करिए। पर कोई भी डर की वजह से आगे नहीं आया। तब उसकी दीदी ने मदारी से प्रार्थना की कि इसे एक बार आप माफ़ कर दीजिए और ये मेरा छोटा भाई है, इसे क्षमा कर दीजिए। तो मदारी ने सीटी बजाई और बंदर मदारी के पास आ गया। इस प्रकार से राजीव को एक सबक मिला और उसने जो था क्या किया, शरारत करना बंद कर दिया और सबसे माफ़ी मांगी कि वो आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा। तो जैसे राजीव शरारत करता है उस तरीके से आपको भी शरारत नहीं करना है।
पढ़ाई करना है, इस लेसन के आपको वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखना है, वीडियो देखेंगे तो आपको लेसन समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।